मिशन 25 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के साथ पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में पीएम मोदी अराजकता का माहौल बना चुके हैं, लेकिन जनता सच्चाई जान चुकी है और अब उनकी जुमलेबाजी का जवाब जनता ही देगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जहां भाजपाई मुद्दों से भटक चुके हैं, वही कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों की ही राजनीति करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस मिशन 25 को लेकर चल रही और साथ ही इसी पर उनका पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले पीएम मोदी ने झूठ के सहारे सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लिया। पायलट ने कहा कि आज देश में मोदी और अमित शाह का तानाशाही रवैया है। उन्होंने आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी से दूर कर दिया। भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन दक्षिण के साथ देश के कई हिस्सों में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने वाला। और इसी मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने केएलएम रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस रिसोर्ट के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।